जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपकी के अपने YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 8 जिलों की एक साथ सेना रैली भर्ती होने वाली है। और लॉकडाउन के बीच में आपके लिए इससे बड़ी और अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद में फिर से यहाँ पर सोल्जर GD, सोल्जर ट्रेड, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ में आपकी ये सारी वैकेंसीज है वो आ चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हो, इंडियन आर्मी को लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अपने जितने भी इंडियन आर्मी के ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, सेना की तरफ से लगातार रैलियों की भरमार आपके लिए हो रही है। डेली सेना एक न एक रैली भर्ती का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी करती जा रही है। इसको लेकर एक बड़ी रिक्रूटमेंट रैली का शेड्यूल सेना की तरफ से जारी किया गया। जी हां दोस्तों, यहां पर सेना की तरफ से लगातार शेड्यूल के बाद में 8 जिलों की सेना रैली भर्ती होने वाली है। अगर आप भी सेना रैली भर्ती देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके हमें जरूर बता दें, क्योंकि आपके राज्य की भी कोई भी रिक्रूटमेंट रैली आयोजित की जाएगी तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली साइट पे हम आ चुके हैं, और ऑफिशियली साइट पे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो नोटिफिकेशन है सेना की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर वो नोटिस हम देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया। बहुत ही बड़ी सेना रैली भर्ती है। सबसे पहले हम डिटेल से आपको बता देते हैं कि इस बार की सेना रैली भर्ती में आपको क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर अगर पूरी डिटेल से बात करें ऑफिशियली नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो सोल्जर GD के लिए अगर आप भर्ती देखना चाहते हो तो आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। साथ ही आपकी हाइट 170, वेट 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में होना चाहिए। ये आपके 10th में 45% मार्क्स और सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप NOISU से, जो आपके ओपन बोर्ड है, CBSE बोर्ड है जहां पर ग्रेडिंग लागू होती है, अगर वहां से आपने बोर्ड का एग्जाम पास किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मिनिमम डी ग्रेड है वो होना चाहिए। और साथ ही बात करें तो ओवरऑल एग्रीगेट आपके C2 ग्रेड होनी चाहिए, तभी आप सोल्जर GD की भर्ती यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर टेक्निकल आवेशन एम्यूनेशन डिपो की भी यहाँ पर भर्ती आई। अगर यहाँ पर आपकी एज 23 वर्ष तक है तो भी आप भर्ती देख सकते हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, और आप 10+2 पास और 12th में आपके साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और उसमें 50% नंबर बन रहे हैं, तो आप सोल्जर टेक्निकल में भर्ती हो सकते हो। वही दोस्तों बात करें कलर की, क्योंकि कलर के कमेंट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कि सर कलर में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो पिछले नोटिफिकेशन में यहाँ पर एज आपकी 17.5 से 23 वर्ष है। आपकी हाइट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट कलर में ही दी जाती है। 162 सेंटीमीटर हाइट वाला कैंडिडेट भी सेना में भर्ती हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम को मिलाया जाए और 60% आपका नंबर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई सी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपके 60% नंबर बन रहे हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर बन रहे हैं। और यहाँ पर 12th में आपके अकाउंट, बुक कीपिंग या मैथ में से एक सब्जेक्ट है, तो आप सोल्जर कलर्क की भर्ती यहाँ पर देख सकते हो। सोल्जर ट्रेडमैन की भी दोस्तों यहां पर बात करें तो सोल्जर ट्रेडमैन की इस भर्ती में आपके 10वीं और 8वीं पास दोनों की भर्ती आई है। जी हां दोस्तों, 8 जिलों वाली इस भर्ती में आपके अगर आप 8वीं पास हो तो भी इस बार सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका सेना की तरफ से आपको दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी जो एज क्राइटेरिया दोनों में सेम रखा गया है, हाइट दोनों में सेम है, लेकिन 10th वाले में आप 10th पास होने चाहिए, जबकि 8th पास सोल्जर ट्रेडमैन में आप 8वीं पास हो तभी इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर अगर बात करें फिजिकल क्राइटेरिया की, तो आप खुद देख सकते हो अगर आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट और चेस्ट में और वेट में तीनों में आपको छूट मिल जाएगी। साथ ही एक्स सर्विसमैन, जिनके सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको भी 2 सेंटीमीटर की हाइट दी जाएगी इस रैली भर्ती में।
साथ में दोस्तों यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो दोस्तों, ग्राउंड पेस्ट, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप पेस्ट के लिए अगर आप रनिंग करते हो तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग करनी पड़ेगी। वही ग्रुप सेकंड के लिए अगर आप रनिंग करते हो तो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपको रनिंग करनी होगी। और इस बार सेना रैली भर्ती में आपको पूरा समय दिया जाएगा सेना की तरफ से। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक करते हो तो 60 नंबर मिलेंगे, जबकि 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक रनिंग करते हो तो आपको 48 नंबर सेना की तरफ से दिए जाएंगे। दोस्तों ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया जो सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड में लागू होगा, जबकि कलर्क टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट में आपके फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते। 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, अगर 100 में से आप 100 लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन पहले ही 100% सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, तो आप अच्छी मेहनत करें। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप खुद देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मैंडेटरी, जी हाँ दोस्तों, सेना की तरफ से बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है। विल बी ओपन फ्रॉम 18 जुलाई से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 31 अगस्त तक। यहाँ पर आपके सोल्जर जी डी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर कलरक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेडमैन 10th और 8th पास की यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा बीआरओ या एआरओ आपका रिक्रूटमेंट ऑफिस है। तो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आपका कोटा है, जी हां दोस्तों, एआरओ कोटा के द्वारा ये भर्ती आपकी ली जाएगी। अगर यहां पर बात करें तो कौन कौन से कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना रैली भर्ती होगी, 8 जिलों की सेना रैली भर्ती है। तो यहां पर अजमेर के साथ में दोस्तों 12 के कैंडिडेट भी यहां पर भाग ले सकते हैं। बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद के कैंडिडेट इस रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा, साथ में आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी से बता दें, क्योंकि आपके राज्य की भी कोई भी सेना रैली भर्ती आयोजित की जाएगी तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।